चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में क्या होता है कि कुछ ना वो वर्ड्स लिखकर आपको देंगे जिस पर कुछ कोड बने हुए होंगे, आपको ना उन वर्ड्स के थ्रू जो भी कोड बना हुआ रहता है उसे डिकोड करके क्वेश्चन में एक नया वर्ड पूछा रहता है, फिर उसी जो आपने कोड को डिकोड किया था उस कोड को अप्लाई करके एक नया वर्ड फ्रेम करना होता है। मैंने जो कहा एक बार मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। जैसे मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन इज रिटन एज, ठीक है? तो आपसे वो पूछ रहा है कि उसी कोड लैंग्वेज में पोजीशन को क्या बोलेंगे, पूछना क्या सवाल है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ये डिकोड करना होता है कि उसने आखिर क्या सोचकर इस रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला कोड बनाया हुआ, उसने क्या सोचकर ऐसा किया हुआ, हमको ये सोचना पड़ता है, ठीक है? फिर जो भी उसने ये कोड इसके लिए अप्लाई किया होगा ना, वही सेम कोड आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो जैसे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसने कुछ विशेष नहीं किया, उसने वर्ड को आधे से तोड़ा और उल्टा कर दिया। देखो ये लिखा है आर ई जी आई एस टी, ये लिखा है आर ई जी आई एस टी, आर ए टी आई ओ एन, आर ए टी आई ओ एन, ठीक है? तो हमने क्या कोड डिकोड किया कि आधा तोड़ो और उल्टा कर दो, तो जो आपने डिकोड किया वही इसमें अप्लाई कर दो। जैसे मैं अप्लाई करने जाता हूँ तो कहता है आधा तोड़ा और उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा करूँ कैसे दिखेगा, आई एस ओ पी एन ओ आई टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कंफर्टेबल है इसमें? जैसे एक बार फिर से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है मॉरल, ठीक है? मॉरल क्या कहता है, एन पी एस बी एम एफ। तो आपको ना यही सेम कोड, ये इससे जो भी आप कोड कैसे डिकोड करोगे तो इस नए वर्ड चार्ज में अप्लाई करना पर आपको बताना, ठीक है? तो अब आपको ना सोचना है कि क्या सोचकर उन्होंने मॉरल का एन पी एस बी एम एफ बना दिया, आपको ये सोचना है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो एम का हो रहा है एन, M का N होता है मतलब कि एक ऐड होता है, O का हो रहा है P मतलब कि एक ऐड हो रहा है, R का हो रहा है S मतलब कि एक ऐड हो रहा है। मैंने क्या नोटिस किया कि हर एक लेटर में एक ऐड करने से उसका नया कोड तैयार हो जाता है। तो फिर एक एक ऐड करो, C का D, H I A B R S G H E F, ये इसका आंसर होगा। समझ गया कैसे डील करना था इसको, चल रहा है? फिर से कोशिश करते हैं अपन। जैसे मेरे पास एक और वर्ड लिखा हुआ है, इट्स आई हैव प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए मेरे पास कोड है ए आई यू पी एल टी एन एम, और आपको पूछ रहा है अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट। अब जरा मुझे आप सोच के बताओ कि उन्होंने क्या कोड लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे, उन्होंने क्या सोचकर प्लैटिनम के लिए ये बना दिया।
एक बार मैं हेल्प करता हूँ, आप देखना। आप अगर थोड़ा सा गौर करते ना तो ये AIU जो है ना वोवेल है, PLTNM जो है ना कंसोनेंट है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसने वोवेल और कंसोनेंट को अलग अलग लिख दिया। आपको वैसे यहाँ भी अपन करते हैं वोवेल वोवेल वोवेल, तीनों वोवेल को अलग अलग लिख दो। AAE फिर कंसोनेंट लिख दे, LPH BT इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी बिल्कुल वैसे ही नंबर सीरीज की तरह ही है। आपको ना इंस्टेंट सोचना पड़ता है कि क्या कोड डिजाइन हुआ है। इसके लिए कोई मैं फॉर्मूला बता दूं और आप लगा कर आंसर निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या किया उसने वहां पर। जैसे उसने लिखा पॉन्ड के लिए RSTM। हाँ भारती जी, सब में अलग अलग होगा और अच्छा है, सब में अलग अलग हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको अलग अलग टाइप के कंसेप्ट पता चलते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। अब मैं एक ही टाइप के 5 बार करवाऊं तो भी उतना ही समझ में आएगा जितना मैं एक टाइप के 1 बार करवाऊंगा। तो आपको सारे टाइप की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। सोचो जरा इसके लिए, सोचो। चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। देखो अपने को ना PR चाहिए, तो एक लेटर कैंसिल हो, PQR। O से S चाहिए, पहले P से R चाहिए था, फिर O से S चाहिए। 1, 2, 3 लेटर कैंसिल हो गए। अब N से T चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर कैंसिल। समझ आ रहा क्या हो रहा है, पहले में वो 1 लेटर कैंसिल करते, फिर 3, फिर 5, अगले में 7 करते होंगे। तो आपको क्या करना था, ऐसे ही S से 1 लेटर कैंसिल कर दे, PQ। हाँ बच्चे सुधांशु, यही वाला मेथड है, PQRSTU। ठीक है, तो ये जो है ना T कैंसिल हो जाता, उल्टा समझ, तो ये बन जाता U। यहाँ कर जाता, फिर T से आपको 3 लेटर कैंसिल में, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता। फिर ऐसे ही आप इसको आगे फ्रेम करते, अरे गलत हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। PUVWX यहाँ पर X आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, जी आता फिर तो सेट कर दो, ये इसका आंसर होता। कैसे करना है?
चलो फिर से कोशिश करते हैं पर। बी के लिए 2, बैक के लिए 10, बॉक्स के लिए पूछ रहा। चलो सोचो जरा क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सोचो। चलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो बी के लिए 2 बोल रहा था, बैक के लिए 10। थोड़ा बहुत सोचना है, जब मैं आपको समय दे रहा हूँ ना सोचने के लिए दे रहा हूँ, जाया करके दे रहा हूँ। 26 आंसर सही नहीं है। सुधांशु बैक के लिए 10 ले रहा है, बी के लिए अगर उसने 2 लिखा था, पता है बी के लिए 2 उसने क्यों लिखा? क्योंकि ना अल्फाबेटिकली बी की जो पोजिशन है ना वो 2 पर आती है, सेकंड सेकंड लेटर होता है बी। 41 करेक्ट है, शाबाश। बैग लिखा हुआ, बैग वाले केस में आपको ना बैग की अल्फाबेटिकल पोजीशन जाननी होगी। तो अगर आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन थोड़ा याद रखना हो तो उसके लिए एक वर्ड दे देता हूँ, वो दिमाग में रख लो। वर्ड है इजोटी। इजोटी बेसिकली क्या होता है, ये ना 5 का ना मल्टीपल है। अल्फाबेटिकली ई जो है 5वें पर आएगा, जे 10वें पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। ये आपको याद रखना, तो इससे क्या हुआ, इसको बेस बनाकर ना बाकी सारे लेटर की ना अल्फाबेटिकल पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी डिफाइन कर लेते। मैं बताऊंगा आगे कैसे। तो बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है। ऐड करूंगा तभी 10 बनेगा। समीक्षा जी एक बार फोकस कीजिएगा। तो फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अल्फाबेटिकल पोजीशन निकालो, सबको जोड़ दो, जोड़ने से वो नंबर आ जाता है। एग्री? तो चलो अल्फाबेटिकल पोजीशन पुट करते हैं इसमें। बॉक्स की अल्फाबेटिकल पोजीशन देखने दी, बी का 2, ओ का देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओ का कितना 15। तो आपको उंगली में गिनने की जरूरत नहीं ना, अपने वाई का पता है 25 है, तो एक पहले आता है ना एक्स, तो 24 जोड़ो, जोड़ोगे तो 41 आएगा। 41 का राइट आंसर है। पता चला कैसे करना? जैसे देखो एक ये भी है, अब इस वाले क्वेश्चन को सारे बच्चों से आंसर चाहिए। चलो एक बार कोशिश कर दो। आंसर चाहिए मेरे को सारे बच्चों से।
इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस वन, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस वन, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस वन, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस वन। अच्छा ना, ओके बोलो इसको। तो वही प्लस वन माइनस वन करते हैं, उसमें थ्री प्लस वन फोर, फाइव माइनस वन फोर, सेवन प्लस वन एट, माइनस वन एट। ऐसे ही आपको सोचना है, बस बताइए। सुन लो, जितना बढ़िया सोचोगे उतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे आपको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सोचो एक बार, चलो सुनते हैं देखो क्या करना था। अब अगर थोड़ा सा गौर करते हैं तो मेंशन में ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन है, तो यहाँ पे सेवन का स्क्वायर लिखा हुआ है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट है तो यहाँ पे एट का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा 49। पढ़े इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं? चलो अगला है आपके पास। फिर है रॉकेट, देखो तो क्या आएगा।
देखो इसमें अपन क्या करते, ये एल लिखा हुआ है ना, तो आप इसका अगर गौर करोगे ना, तो जितने नंबर्स हैं उतने ही लेटर्स हैं, जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर्स हैं। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तब उस वाले केस में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग लेटर होता है ना, वो करस्पॉन्डिंग नंबर को बताता है, जो पर्टिकुलर नंबर होगा करस्पॉन्डिंग लेटर को बताएगा। जैसे वो एल की जरूरत है तो ये एल लिखा हुआ, जैसे करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा बन रहा है, जैसे करस्पॉन्डिंग नंबर बनता है जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जीरो। यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई ढूंढो कहाँ पे, अभी आई आई के लिए क्या लिखा करस्पॉन्डिंग में, टू, तो यहाँ पे हो गया टू। डबल टी ए लिखा हुआ, डबल टी, डबल टी के लिए डबल, खत्म हो गया डबल फोर। ठीक है, एल एल के लिए फिर से हो गया जीरो, ई ई के लिए सिक्स, ये उसका आंसर हो गया। समझ गए, तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर, इसका भी आपको आइडिया रहे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए जो आपको अभी सॉल्व करना है, इसके आंसर सबसे तुरंत अभी डिस्कस करूंगा। फटाफट फटाफट अब आप दिमाग लगाइएगा, अब आपको मैंने आइडिया दे दिया कैसे डील करना होता है, अब थोड़ा आप अपना दिमाग खर्चा करो तो पता चले। क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा क्योंकि सेशन क्लोज होने वाला है, तो आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, बाद में अपना दिमाग खर्चा करना, पहले सवाल लिख लो। प्रॉब्लम सॉल्व करना, मेरे को आंसर चाहिए सारे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, और अगर मान लिया सेशन क्लोज होता है तो आपको उसे रिज्वाइन करना। सॉल्व कीजिए फटाफट।